खान अध्यक्ष अल्पसंख्यक रांची जिला जामुमो, जनाब मोहसिन खान जी आसू पार्टी के नेता, साथ ही साथ हमारे बीच उपस्थित हैं श्री निर्मल उरांव जी और साथ ही साथ हमारे बीच उपस्थित सभी गणमान्य अतिथियों के द्वारा दोनों टीमों को शुभकामनाएं, दोनों टीमों को सफर, लेकिन इस अंतिम मैच को जीतकर कौन अपनी टीम का नाम सुनहरे अक्षरों में दर्ज कराएंगे। दबा उड़ाइन मेमोरियल पर दर्शक नजर नहीं आए थे, इस प्रकार का क्राउड पहली बार देखा जा रहा है और निश्चित रूप से इसके लिए हमारे सभी फुटबॉल फैंस का भी बहुत बहुत आभार। आप जहां से हैं वहीं से अब इस मैच का आप लुत्फ उठाएंगे। आखिरी मैच का बहुत ही शानदार आयोजन हुआ है आदिवासी युवा विकास समिति के द्वारा। निश्चित रूप से आयोजन कमेटी के सभी सदस्य बधाई के पात्र हैं, आप सभी के सहयोग से और अथक प्रयास से ओपनिंग विसल इस फाइनल मैच की किक ऑफ किया है छोटू ब्रदर्स के खिलाड़ियों ने। दीपक दोनों ही टीमों के लिए एक अच्छा मैच होगा, निश्चित रूप से चुनौती दोनों ही टीमों के लिए। दिलीप और यहां पे दिलीप का कमाल देखने को मिला था, इन्होंने सेमीफाइनल के मैच में पहला गोल किया था, जर्सी नंबर 7 को यादगार। एक अच्छा शॉट यहां पे, पेनाल्टी एरिया के नजदीक यहां पे खतरे के रूप में, लेकिन डिफेंस बिल्कुल मुस्तैद और अब यहां से आगे की ओर ले जाने की जिम्मेदारी यहां पे मिडफील्डर्स को, फॉरवर्ड को। इतिहास भी रचेंगे। यहां पे मौका है छोटू ब्रदर्स के खिलाड़ी, कमाल का यहां पे बचाव दीपक के द्वारा, डाइव लगा के किसी तरीके से रोका, लेकिन अभी भी खतरा टला नहीं, लेकिन इसी शॉट से कुछ समय के लिए खतरे को टालते हुए बहुबाजार एफसी के खिलाफ छोटू ब्रदर्स की टीम मैच के शुरुआती क्षण में अटैक कर रही है, आक्रमण को बिल्कुल तेज कर दिया है। गेंद के साथ दिलीप, गेंद को बाहर निकालने का प्रयास, जर्सी नंबर 13 भिड़ने का प्रयास किया इन्होंने, एक खूबसूरत पास हो सकता था, लेकिन इस बीच यहां पे डिफेंडर्स बिल्कुल तैयार थे। सामने में बम दागा।
लगातार अटैक के बाद इस बीच यहाँ पे कुछ क्षणों के लिए गेंद को निकालने का प्रयास बहुबजार एफसी के खिलाड़ी कर रहे हैं। एक योजना के तहत यहाँ पे आक्रमण चल रहा है। बहुबजार एफसी के लिए यहां पे मौका फ्री किक के रूप में। शॉट बिल्कुल अच्छा था, बिल्कुल नपा तुला, लेकिन सीधे राज के हाथों पे। बहुत अच्छे लय के साथ राज चल रहे हैं। इससे पहले सेमीफाइनल के मैच में भी इन्होंने कमाल ही किया था। को जीतते हुए फाइनल में जगह बनाना और बड़े टीमों को मात देना एक अच्छा खासा कॉन्फिडेंस के साथ दोनों ही टीमें। लेकिन अब तक के खेल में छोटू ब्रदर्स की खिलाड़ियों ने जिस जोश और जज्बे के साथ अभी तक प्रयास किया है और कई ऐसे मौके भी निकालने में कामयाब रहे जहां पे गोल कर सकते थे, हालांकि अभी तक गोल तो देखने को मिला नहीं, लेकिन मैच बड़ा ही रोमांचक चल रहा है। कुछ बेहतरीन पासेस अब तक के खेल में यहां पे बहुबजार के खिलाड़ी। इस बीच यहां पे गेंद को लेने के लिए फाउल, दोनों ही टीमों के अटैकर्स की अगर बात करें तो अच्छे हैं, लेकिन अब यहां से पहला गोल कब आता है, कौन सी टीम कर पाते हैं। एक अच्छा टैकल देखने को मिला दिलीप को रोकने के लिए, दोनों खिलाड़ी आपस में भिड़े गिरे भी। आखिरी मैच है, दोनों ही टीमों ने फाइनल में जगह बना के इस मैच को जीतने के लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं। थोड़ी बहुत थकावट भी, क्योंकि पिछले तीन दिनों में दोनों ही टीमें कुल मिला के चार मैचेस खेल रहे हैं और तीन दिनों के अंदर चार मैचेस खेलना, इसके लिए आपके पास स्टेमिना की होने की जरूरत है। एक अच्छा हेडर, लेकिन सीधे राज के हाथों में ये गेंद।
प्रिंस जर्सी नंबर 10 के साथ। अच्छे पासेस यहां पे आपस में खिले। सेंटर करने का प्रयास था। जर्सी नंबर 9 जॉय जोगी टीम के कैप्टन भी हैं। इतनी ज्यादा ताकत दे नहीं पाए। राज के हाथों में गेंद चली गई। बहुत तेजी के साथ जर्सी नंबर 15 अपने गति के साथ साधना अलग ही अच्छी ब्लॉकिंग। शॉट पे थोड़ा सा पावर ज्यादा लगा बैठे। इस बीच यहां पर गेंद निकल गई है। क्या कमाल का अटैक था बहु बाजार एप्सी के चाहने वाले बिना किसी गोल के 0-0 के स्कोर पे। Come on.
बेंच के दाईं ओर छोटू ब्रदर्स की टीम है। हजारों की संख्या में ये दर्शक बरियातू पहाड़ मैदान रांची, जहां पे आज आखिरी दिन अंतिम मैच, फाइनल का मैच और निश्चित रूप से दहबा मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट एक यादगार आदिवासी युवा विकास समिति के तत्वाधान में और सभी आयोजन कमेटी के मेंबर्स इस आयोजन के लिए निश्चित रूप से बधाई की बातें हैं। फाइनल के इस शुभारंभ में हमारे बीच इस मंच पे शिरकत कर रहे हैं माननीय अध्यक्ष मोहसिन खान जी, आजसू पार्टी के नेता हमारे बीच उपस्थित हैं, मोहम्मद फरीद खान जी अध्यक्ष अल्पसंख्यक रांची जिला जामुओ, महासचिव आजसू पार्टी रांची महानगर श्री रमेश गुप्ता जी हमारे बीच उपस्थित हैं, हमारे बीच उपस्थित हैं जनाब शम्स तबेज जी आजसू नेता हैं, उपस्थित हैं सचिव रांची महानगर के श्री अभिषेक राज नायक जी, उपस्थित हैं श्री प्रमोद इक्का जी उपाध्यक्ष, साथ ही साथ उपस्थित हैं एक रोमांचक मैच यहां पे कीपर कमाल ही किया इन्होंने। गेट के साथ बादल पूरी गति के साथ इस बीच यहां पे बीट करने के प्रयास में और बहुत अच्छा प्रयास था, लेकिन और इस मैच के बाद प्राइज वितरण समारोह होगा, जहां पे आप देखेंगे टीमों को सम्मान प्राप्त करते हुए। प्राइज वितरण समारोह में जे से चिट्टू सुजल ब्रदर्स, साथ ही साथ आज एक गर्ल्स लगातार यहां पे अच्छी कोशिश देखने को मिल रही है छोटू ब्रदर्स की टीम के सामने बहु बाजार एफसी, दोनों ही टीम कैसे दब गया था पुलिस मेरा 50 रुपया बहुत अच्छा मत किया एकदम प्यार से, उसका सर संथाली भाषा में बोल रहा था कागज पूछा है बम पड़ेगा क्या मैच का पहला गोल देखने को मिलेगा? जी हां, क्या फिनिश किया है जर्सी नंबर 9 के द्वारा, एक सटीक पास और बिल्कुल इन्होंने निराश नहीं किया, एक खूबसूरत पास के जरिए।
1-0 की लीड है हफ्ते के खेल में। बहु बाजार एफसी ने कुछ ही क्षण पहले एक शानदार गोल किया था। जर्सी नंबर 9 के एक खूबसूरत पास, हालांकि जर्सी नंबर 9 बादल भी शॉट लगा सकते थे, गोल कर भी सकते थे, लेकिन उनको ज्यादा कॉन्फिडेंस नजर आया कि वो पास करके देंगे और साथी खिलाड़ी जर्सी नंबर 11 नहीं हो जाता है। कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा क्योंकि छोटू ब्रदर्स की टीम भी कमाल कर रही है। एक अच्छा प्रयास लेकिन उतना ही अच्छा बचाव भी गोलकीपर के द्वारा दीपक। चार खिलाड़ी वहां पे बिल्कुल कॉर्नर के सामने, सूरज जर्सी नंबर 5 के साथ अच्छा ब्लॉक यहां पे देखने को मिला। निश्चित रूप से अब यहां से अगर पूरा समय निकाल देते हैं बहु बाजार के खिलाड़ी तो भी इस मैच को जीत सकते हैं। हालांकि डिफेंसिव रोल अपनाएंगे या फिर अटैक करने के लिए जाएंगे। अब बचे हुए समय में क्या कुछ प्लानिंग हो सकती है इनकी टीम के लिए। एक गोल से आगे है बहु बाजार। गेंद के साथ आगे बढ़ने का प्रयास इस बीच यहां पे मैच एक रोमांचक मोड़ पे है। छोटू ब्रदर्स की टीम इस मुकाबले में एक गोल से पीछे चल रही है। गोल लग जाता है तो शेर और भी ज्यादा खूंखार बन जाता है। आपने सुना ही होगा, ये देखिए बिल्कुल सटीक यहां पे शानदार। लेकिन जर्सी नंबर 18 के पास मौका हो सकता है दीपक के द्वारा डाइविंग एफर्ट, लेकिन गेंद को अपने पास रख नहीं पाए। खतरे को जरूर टाला है लेकिन छोटू ब्रदर्स इतनी आसानी से कहां हथियार डालने वाले। अंत तक लड़ेंगे, आखिरी सांस तक लड़ेंगे ब्रदर्स की टीम। काम करेंगे 51,000 रुपए, साथ ही साथ चैंपियन वाली टैग विनिंग टीम के लिए। Thank you.
इस बीच यहाँ पे रेफरी ने डायरेक्ट फ्री किक का इशारा किया है। सूरज शॉट लेने के लिए तैयार हो रहे हैं। इस बीच यहाँ पे जर्सी नंबर 10 आए हैं थोड़ी सी बातें के लिए। बहुत ताकत के साथ ये शॉट नहीं लेकिन डाइविंग एफर्ट देके दीपक के द्वारा भले ही दीपक का गणवेश जर्सी का कलर प्रयास करेंगे। क्या कुछ हो सकता है, कितने अटैक्स, कितने ऑन टारगेट रख सकते हैं। अब यहां से अगर के लिए यहां पे गति से बीट किया, रोकेंगे गति को जर्सी नंबर 18 को। जर्सी नंबर 10 आगे बढ़ते जा रहे हैं, दो खिलाड़ी उन्हें परेशान के लिए बिल्कुल सामने आ गए। इस बीच आपको ये भी बता दूं, हमारे बीच लगातार अतिथियों का आगमन हो रहा है। बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन श्री रवि कुमार पिंग जी का, अध्यक्ष महावीर मंडल, साथ ही साथ उपस्थित है श्री शंकर दुबे जी, चैती दुर्गा समिति के माननीय अध्यक्ष महोदय हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करती है आदिवासी युवा विकास समिति। लेकिन गेंद चली गई है सीधे। हमारे दर्शक क्या चाहते हैं, कौन सी टीम जीतने वाली है, जीतेगा भाई, जीतेगा कौन, बहु बाजार या फिर छोटू ब्रदर्स। लगातार यहां पे